हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम में आपको ये जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिख रहा है उसको कैसे हटाए, कैसे रिमूव करें। हाँ फ्रेंड्स, आपको इंस्टाग्राम से ये हटा देना है, परमानेंट रिमूव कर देना है। तो इंस्टाग्राम का नया अपडेट आया है, आप सबको पता है। अब इस नए वाले अपडेट में आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड हटाने के लिए कुछ चेंजेस करना होगा सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पर एक ही मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ये चेंज करना है। उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। आइए फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको Instagram के होम पेज पर आ जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने वो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड वाला ऑप्शन क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, यानी कि आपका क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप इसको हटाना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। ये वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएटर वाला, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा स्विच अकाउंट टाइप वाला, ये जो दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके अंदर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर स्विच टू पर्सनल अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, ऑलरेडी आपका प्रोफेशनल अकाउंट है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका प्रोफेशनल अकाउंट है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले वो ऑप्शन को हटाना है, तो अपने अकाउंट को चेंज करना होगा, अकाउंट टाइप को चेंज करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको स्विच टू पर्सनल अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको कन्फर्म पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है स्विच टू पर्सनल अकाउंट, यानी कि आपका अकाउंट पर्सनल हो चुका है। अब आपको यहाँ से ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन हट चुका है, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। यहाँ पर आपका सिर्फ प्रोफेशनल डैशबोर्ड रिमूव हो चुका है, लेकिन अभी भी आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट पब्लिक है, यानी कि प्राइवेट नहीं है। तो अब आपको पब्लिक से प्राइवेट करना होगा, क्योंकि आपके जो भी फोटोज़ है, वीडियोज़ है, वो कोई भी अननोन पर्सन देख सकेगा, यानी कि आपको अकाउंट प्राइवेट करना है। तो यहाँ पर आपको थ्री लाइन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाला ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला अकाउंट प्राइवेसी वाला, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से आपको ये जो प्राइवेट अकाउंट वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको ऑन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसको ऑन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर एक लोगो दिख जाएगा, ये वाला प्राइवेट अकाउंट वाला। तो यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट हो चुका है, यानी कि अभी कोई भी अननोन पर्सन आपके फॉलोअर्स को, फॉलोइंग को नहीं देख पाएगा, इवन आपके फोटोज़ को, हाईलाइट को, कोई भी चीज़ वो नहीं देख पाएगा। तो इस तरीके से आप इंस्टाग्राम में प्रोफेशनल डैशबोर्ड को हटा सकते हो, ये बिल्कुल नया अपडेट है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आपको इंस्टाग्राम के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये मेरी इंस्टाग्राम की मेन आईडी है, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।